हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है संदीप चौधरी। जैसा कि आपको पता है, हमारे टेक्नो ज्ञान मास्टर चैनल पॉलिटेक की बात की जाती है। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस नंबर से आप चाहते हैं सिर्फ उस नंबर से कॉल आएगी, और तो और जिस नंबर को आप चाहोगे उस नंबर की कॉल आएगी भी नहीं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं अननोन नंबर की कॉल ना आए तो अननोन नंबर की कॉल नहीं आएगी। आप चाहते हैं जो नंबर हमारे फ़ोन में सेव है उनकी कॉल ना आए तो उनकी भी कॉल नहीं आएगी। जो नंबर आप चाहेंगे सिर्फ उनकी कॉल आएगी। इस टॉपिक में मैंने 2-3 वीडियो और बना रखी हैं, बट कुछ इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो हो सकती है थोड़ी बड़ी, क्योंकि आज मैं सेटिंग बताने वाला हूँ मोबाइल में खुद का ही एक फ़ीचर होता है उसके माध्यम से। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको किस किस तरह से सेटिंग करते हैं। इस वीडियो में बने रहिए और आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको अच्छे से समझा देता हूँ वो सेटिंग आपको कैसे करनी है। ठीक है गाइस, जैसा कि मैं आपको बता दिया है, आप जिसका चाहोगे सिर्फ उसकी कॉल आएगी। ठीक है, आप चाहोगे अननोन नंबर से कॉल आए तो अननोन नंबर से कॉल नहीं आएगी। आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर की चाहते हो, एक पर्टिकुलर नंबर की आएगी। अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर किसी 5 नंबर की कॉल आए, 5 नंबर की आएगी, 2 नंबर की, 3 नंबर की, जितने नंबर आप चाहोगे उन नंबरों की कॉल आएगी। ठीक है, और जैसे आप चाहते हो अननोन नंबर से कॉल आए तो वो भी कर सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, मैं एक फ़ोन की सेटिंग भी बताऊँगा जो कि ज़्यादातर वो हर फोन में मिल जाती है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की जो मेन सेटिंग होती है वो खोल लेनी है। ठीक है, जैसे मैंने सेटिंग खोली अपने फ़ोन में। ठीक है, और सेटिंग खोलने के बाद गाइस क्या है, यहाँ पर आता है सर्च सेटिंग। ठीक है, और यहाँ सर्च सेटिंग में जाने के बाद आपको सर्च करना है कॉल सेटिंग। ठीक है, तो कॉल सेटिंग आप सर्च कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। और जैसे कॉल सेटिंग सर्च करोगे कॉल सेटिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, कॉल सेटिंग में जाने के बाद आपको बस एक ही चीज़ ढूंढनी है और कुछ नहीं ढूंढना है। आपको ढूंढना है कॉल ब्लैकलिस्ट। ठीक है, या ब्लैक लिस्ट ढूंढ सकते हो या ब्लॉक लिस्ट ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो ब्लॉक लिस्ट ढूंढने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो मेरी तरफ। ठीक है, ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है ब्लॉक लिस्ट, ये आपका ऑप्शन चालू रहना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये यहाँ पर सिम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है ऊपर, यहाँ पर देख सकते हो सिम 1 सिम 2। ठीक है, अगर आप सिम जियो 4G पर सिलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर सिम 2 हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं एयरटेल सिम तो सिम 1 पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ऊपर से ही यहाँ से क्लिक कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब जैसे क्या है, मैं एयरटेल की सिम में ये सेटिंग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो ब्लैक लिस्ट ऑप्शन जो ऑप्शन है ये चालू रहना चाहिए, ब्लू रहना चाहिए। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कॉल ब्लॉक लिस्ट, तो कॉल ब्लॉक लिस्ट में हमें चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर कॉल ब्लॉक लिस्ट में अब हमें क्या है, जैसे हमें क्या किसी एक पर्टिकुलर नंबर की कॉल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये आ रहा है कॉल ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम स्ट्रेंगर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ब्लॉक हो गई कॉल। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो अननोन नंबर होते हैं वो सभी ब्लॉक हो चुके हैं, ब्लॉक कॉल फ्रॉम स्ट्रेंगर, इसका मतलब यही होता है अननोन नंबर को ब्लॉक करना। ठीक है, ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम स्ट्रेंगर मतलब अनजान कॉल ब्लॉक हो चुकी है। अब आप चाहते हो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के सभी नंबर ब्लॉक हो जाएं तो आप वो भी कर सकते हो, ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो आप ब्लॉक कर दीजिए। अब गैज क्या है, अभी हो गया जो आपके कॉन्टैक्ट्स जो नंबर होंगे वो भी ब्लॉक हो चुके हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाला तो मैंने बता दिया, जो अनजान नंबर होते हैं उनके लिए भी है स्ट्रेंगर। ठीक है, तो गाइज क्या है, कोई भी कॉल करेगा तो उन्हें बिजी बताएगा या फिर स्विच ऑफ बताएगा या नंबर नेटवर्क एरिया से बाहर है इस तरह से बताएगा। ठीक है, अभी नीचे आ रहा है ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम हिडन नंबर, यानी अगर आपके कोई नंबर हिडन कर रखें, छुपा रखें, तो अगर आप उन्हें चाहते हो वो भी ब्लॉक हो जाएँ तो आप इन्हें भी ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब गाइज क्या है, इस नंबर पर मेरी एयरटेल की सिम पर ये सेटिंग हो चुकी है, यानी आप ये जो सिम सेलेक्ट करने के बाद आप इस तरह से कर सकते हो, बहुत ही ईजी। ठीक है, तो ये क्या है, सभी नंबर ब्लॉक हो चुके हैं। अगर आप किसी एक नंबर को पर्टिकुलर ब्लॉक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा रहा है ब्लॉक्ड नंबर, तो इस पर चले जाना है और यहाँ पर आता है ऐड। ठीक है, ऐड फोन नंबर कर दीजिए, यहाँ पर कोई भी नंबर जो डालना चाहते हैं वो नंबर डाल के, ऐसे मैं ये नंबर डाल रहा हूँ, जैसे मैंने ये नंबर डाल दिया ऊपर से इसे टिक कर दो। ठीक है, बहुत ही ईजी है, और ये नंबर ब्लॉक हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐड नंबर कर सकते हो, आप अपने ऐड कॉन्टैक्ट में से नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो आप ले सकते हो, बहुत ही कोई दिक्कत नहीं है। और अब गाइज क्या है, मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे जो अब हम चाहते हैं किसी एक नंबर की कॉल आए, यानी एक्सपर्ट चाहते हैं हम, तो हमें जाना है एक्सपेक्टेशन में। ठीक है, ये आ रहा है एक्सपेक्टेशन, तो आपको इसमें चले जाना है, यहाँ पर आ रहा है एक्सपेक्टेशन में, नीचे ऐड करने का ऑप्शन ऐड कर देना है। यहाँ पर आ रहा है ऐड फोन नंबर, ठीक है, ऐड कॉन्टैक्ट, अगर आपके पास कोई नंबर है याद है तो आप यहाँ पर नंबर डायल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये नंबर डायल कर रहा हूँ, तो आप ये नंबर डायल करके ऊपर से टिक कर सकते हैं। अभी क्या हो गया, सिर्फ इस नंबर की ही कॉल आएगी गाइज, अलाउ कॉल्स एंड SMS, यानी इस व्यक्ति की कॉल आएगी जो मैं ये नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे भाई का नंबर है, मैं चाहता हूँ सिर्फ इस नंबर से कॉल आए और किसी की कॉल ना आए। अगर आप चाहते हैं और भी नंबर की कॉल आए तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ऐड कॉन्टैक्ट, अगर आपको कोई नंबर याद नहीं है, आपने नंबर सेव करा है, तो
तो आप क्या कर सकते हैं, ऐड कॉन्टैक्ट्स में चले जाइए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स पे लॉक लगा रखा है, तो मेरा लॉक खुलने के बाद आगे आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पर बहुत सारे नंबर आ गए हैं, ठीक है। ये मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, 2374 नंबर आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप इनमें से जिस नंबर को भी आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उस नंबर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसकी कॉल नहीं आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं कोई नंबर, ठीक है। कोई जैसे क्या है, मैं सर्च कर रहा हूँ नोएडा, नोएडा का एक लड़का है, मैं चाहता हूँ सिर्फ उसकी कॉल आए, तो ये है चंदन, ठीक है, चंदन जी नोएडा। तो आप नीचे से और दूसरा नंबर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे अनुज जी साइबर कैफ़े, इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। या एक ही नंबर सेलेक्ट करना तो इस पर से हटा दो, नीचे आ रहा ओके ओके कर दो, ठीक है, ओके कर दो यहाँ से। तो अब क्या है, इन दो नंबरों की ही कॉल आएगी, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो गाइज आज मैंने आपको बताया कि ओनली उस व्यक्ति की कॉल आएगी जिस नंबर से आप चाहते हैं, और किसी की कॉल नहीं आएगी, ठीक है। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि सभी नंबरों की कॉल आना स्टार्ट हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आपको दोबारा से जाना पड़ेगा कॉल ब्लॉक लिस्ट में, और आपको ही सिंपली यहाँ पर इन्हें बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, ठीक है। अगर आप चाहते नहीं चालू रखना तो चालू कर दो दोबारा से, ठीक है, चालू कर लो, इन्हें चालू कर दो, ठीक है। और आप चाहते हैं जैसे क्या है, एक्सपेक्टेशन में नंबर है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं ये जो नंबर है चंदन जी पीजो, इस नंबर को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करके रखना है आपको, और नीचे आ जाएगा डिलीट, ठीक है, डिलीट कर दो, तो ये नंबर क्या डिलीट हो जाएगी, फिर उस नंबर की भी कॉल नहीं आएगी। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो गाइज आज मैंने आपको बताया कि सिर्फ उस नंबर की कॉल आएगी जिस नंबर को आप चाहते हैं, जो नंबर आप नहीं चाहते हैं उसकी कॉल नहीं आएगी। गाइज बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। मैंने बताया एक्सपेक्टेशन में जाके ऐड नंबर कर सकते हो जिसकी कॉल आपको अब आनी है, और आप यहाँ से ब्लॉक लिस्ट में जाके आप किसी एक नंबर को पर्टिकुलर ब्लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर आता है कॉल ब्लॉक लिस्ट में, आप बहुत सारे लोगों को, अनजान नंबर को, कॉल ब्लॉक लिस्ट कॉन्टैक्ट को, ठीक है, इन्हें आप डायरेक्टली ब्लॉक कर सकते हैं, बहुत ही ईजी, ठीक है। तो गाइस आज मैंने एक ही तरीका बताया, और फ़ोन की सेटिंग के माध्यम से ये वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो चुकी है, 6 मिनट 40 सेकंड के लगभग। तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, और अगली वीडियो में बताएंगे किसी एक ऐप के माध्यम से, ठीक है, एक ऐप है बहुत ही अच्छा तगड़ा, जिसके माध्यम से आप कॉल ब्लॉक लिस्ट कर सकते हो, यानी जिस नंबर से आप चाहोगे सिर्फ उसकी कॉल आएगी, ठीक है। ये तो मैंने बताया, रेडमी का फ़ोन है मेरे पास, उसके माध्यम से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं और भी फ़ोनों में सेटिंग करना, जैसे हर फ़ोन में ये सेटिंग वर्क करे, तो उसकी ऐप है, उसमें अगली वीडियो में ये सेटिंग में बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो गाइज आज मैंने आपको बताया कि जिस नंबर से आप चाहेंगे सिर्फ उसकी कॉल आएगी, और किसी की कॉल नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही यूजफुल कंटेंट वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।